करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला मोर्चा की बैठक ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। रोजगार से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शक्ति वंदन कार्यक्रम में बहनों ने अच्छा योगदान दिया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण ग्रुप के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने का जो अभियान चलाया है, लगभग 4,79,000 से ज़्यादा बहनों के पंजीयन देश भर में हुए। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करने के लिए इसमें आगे बढ़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी रोजगार पर ऐसे कई और सारे कामों को चाल के मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा रोल अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आज भाजपा कार्यालय में होने वाले कार्यक्रम में स्वयं सम्मिलित हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल झाबुआ के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना भूतो ना भविष्यपति, और साथ ही उन्होंने कहा कि भूतकाल में कोई हुआ नहीं, भविष्य का पता नहीं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा होगा। हर गरीब कमजोर आदिवासी का दर्द जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया के लिए 15,000 करोड़ का बजट दिया है। कि इतना संवेदनशील प्राइम मिनिस्टर आपने कभी देखा नहीं होगा, नहीं भविष्य में था, भूतकाल में होगा क्या? भूतकाल में तो नहीं थे, भविष्य में होगा क्या मालूम नहीं, मगर वर्तमान में अभी अपने को ऐसा जाए प्राइम मिनिस्टर मिला है, एक एक लोगों की चिंता करने वाला। उसने सिकल सेल वाले को भी ऐसा बोला है कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं हो। खबर भिंड से है, जहां पर जिला पंचायत की मीटिंग में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जिला प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने जिला प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। कटारे ने एसपी असित यादव से कहा कि अटेर विधानसभा में पुलिस की वसूली को तुरंत बंद कर दिया जाए। साथ ही नल जल योजना में चंबल के रेत को लगाए जाने पर नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है। कटारे ने पुलिस पर भाजपा नेताओं के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।